गुरमेल सिंह तो बाद सरजीत सिंह जी भूरे वैस प्रधान पंजाब बार्डर किसान यूनियन समा 3 मिनट आओ जी। ठीक है जी। बहुत ही सत्कारयोग भैणों ते भरावो अज असी सिंघू बॉर्डर ते जिथे साडे पंजाब दे 177 बजुर्गां साथियां ने साथ दित्ती आ इस धरने दे विच अपनी हाजिरी लवाउण लई आए हां। जिमें मेरे साथी पहला दस के गए आ कि चौथी बार असं इत्थे आ रहे हाँ तो पंजाब पेंशनर यूनियन वालों जिनी साडे कोल असीं सहायता कर सकते हाँ वह भी की आ ते अगे नूं भी करदे रहांगे। रही गल जिन्हें मेरे साथियों ने इस कानून की व्याख्या की आ कि मोदी सरकार वालों हर एक वर्ग लई चाहे वह मुलाजम होण जां मजदूर होण जां कोई छोटे किसान होण छोटे व्यापारी होण उन्होंने अजिहे कानून लियांदे ने जिन्हां नाल उन्हां दी रोटी रोजी आ जिहड़ी वह खत्म हो जाए वह गुलामी की दिशा दे विच चले जाण। यही जिहड़ा इहदा एजेंडा जात पात च वंडना धर्मां च वंडना करोना दे विच ही अजिहे कानून जिहड़े लै के आ जाणे। मैं एक मिसाल देनी चाहुंदा जिवें असीं पिंडां दे आ सांझा पंजाब सी साडे खूहां दे उत्ते जिहड़े बैड लगे हुंदे सी उहदे विच कुत्ता लग्गिया हुंदा सी। जदों साडियां टिंडां भर जांदियां सी तां कुत्ता उहनूं जदों छड्डदे सी तां रुकावट खड़ी करदा सी। मोदी दे दिमाग दे विच भी एक सियासत दा कुत्ता अड़िया होया जदों कुत्ता असीं चकदा जिवें चकण लगे हां सारे कानून कड़कड़ कड़कड़ करके वापस हो जाने हैं। सानू अपनी एकता इदां ही रखना चाहिए ये सारा कुछ जिहड़ा ये ठीक हो जाएगा। दूसरी गल मैं कहनी चाहुंदा भी जो कानून ने यह कानून साडा जो साथी दस गया मैं भी यही गल कहना चाहुंदा ये संघर्ष जिहड़ा इंटरनेशनल बन चुका विदेशों भी मते पै रहे हैं भी कानून माड़े ने इहनू वापस लै लो कानून माड़े ने पर पता नहीं किहो जिहा बंदा जदों बोलदा। मैं किसानां दे हक च कानून लेके आया किसानां दी आमदन दुगनी कर दूं अच्छे दिनों नाल गए 15-15 लाख खातों च पैजू जिन्ना झूठ तूफान ये बोल रहा उन्ना साडे देश दे विच कोई नहीं बोलदा। दूजी गल नाल ये भी कह दिया मैं जिन्नियां जुत्तियां खा रहा उन्नियां भी सारी दुनिया दे विच कोई नहीं खा रहा। इस करके भैणों ते भरावो मैं पंजाब पेंशन यूनियन वालों मुलाजमान वालों स्टेज नूं भरोसा दिंदा ये साडा संघर्ष अपना असीं फिर भी आउंदे रहांगे जदों तक यह संघर्ष जिहड़ा चलता रहेगा। एक गल कह के मैं अपनी गल नूं समाप्त करना असीं पिछली बारी जदों इधर दिल्ली नूं आ रहे सी तां मेरी एक भैण जिहड़ी किसे कॉलेज विच प्रोफेसर सी उह मिली उह सानूं कहण लगी वीर जी कित्थे चले हो असीं कहा सिंघू बार्डर चले हां कहिंदी उह धरती नूं मेरे वल्लों भी नमस्कार कर दिओ जिथे साडे सारे देश के लोग बड़ी पवित्रता दे नाल कानूनां नूं वापस कराउण लई संघर्ष कर रहे हैं मेरे वालों भी उन्होंने नमस्कार कर दो मैं उहदे वालों भी नमस्कार करता हुआ अपनी गल नूं समाप्त करदा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नधाण मेरी बेनती है सरजीत सिंह जी पूरा वैस प्रधान पंजाब बार्डर किसान यूनियन उन्होंने तो बाद सूबेदार दविंदर सिंह जी दहियां सोनीपत हरियाणा वो तैयार हैं। आओ जी समा 3 मिनट जी। धरने विच बैठे सत्कारयोग किसानों ते मेरे अति सत्कारयोग मातावां आओ रसना नूं करो पवित्र फतेह बुलाई है क्योंकि जो फतेह बुलाई दी दो बार वाहिगुरू निकल आउंदा वा फतेह दी सांझ पाईए कोई रसना वांझी ना रहे गज के बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सवेर दा अज दिहाड़ा मनाया जा रहा सर छोटू राम जी का ते उन्हां दे जीवन बारे भी खास करके हरियाणे ने बड़ा ही विस्तार दे नाल दस्या है ते किसान भरावो मैं यही गल करनी आ कि सर छोटू राम नूं जिथे असी याद करदे आ असी उन्हां दे पूर्णिया ते क्यों नहीं चलदे असी उन्हां दे पूर्णिया ते चल के जिहड़ी सियासत आ जे असी उन्हां दे पूर्णिया ते चले हुंदे ते शायद अज इत्थे असी धरनिआं ते ना बैठे हुंदे। असी हक लैण लई धरने लाउणे आ पर मैं यह गल कर दवां सानू फिर पैदा करना पैना सर छोटू राम नूं सानू सियासतां दे विच आउणा पैना असी धरना लाउणे आ साडा एक मुद्दा हल हुंदा वा
अगले बन्ने दूसरा फिर खड़ा हो जाता वा। असी एक बारी सरकार चुन लैने वो नहीं ठीक होंगी असी दूजी नूं, किसान क्यों नहीं सरकार दे विचों आ सकता, क्यों नहीं किसान राज कर सकता। जे सर छोटू राम आए सी उन्हां जिहड़ियां मंडियां अज तुहाडे तों खोहियां जा रहियां ने उही मंडियां उन्हां ने दवाईयां सी। सो मैं बेनती करूँगा इस जिहड़े काले तीन कानून आ ये तां वापस होने ही होने आ, ना पंजाब दी ना हरियाणे दी, सानू हिंदुस्तान दे किसानां दी होंद बचाउणी पैणी आ। होंद तां बचनी आ जे असी सत्ता दे विच आवांगे। साडे गल इक अंदर वाड़ी गई आ, यूनियन दे विच इक गल आम कही जांदी आ कि सियासत जिहड़ी माड़ी आ। मैं भी ये गल समझदा सी कि सियासत माड़ी आ, ठीक आ साडे सियासी सियासत माड़ी करदे आ, पर सर छोटू राम वर्गे भी हैगे आ। असी उन्हां दे जिहड़े पूरने सी, जे उन्हां कोल पावरां सी उन्हां सारे हक दवाए, उन्हां दे जिहड़े बिजनेसमैनां दे हक सी उन्हां ने वापस लैने। सो सानू तकड़े हो के ये जिहड़े काले कानून आ इन्हां नूं वापस असी कितना लैना वा। असी शांतमई रह के चलना वा, जदों भी कोई गल आउंदी आ कोई गुस्से वाली जां किसी दी, जिस तरह इत्थे जगजीत सिंह डल्लेवाल हुणी बोल के गए आ हरियाणे ने पंजाब नूं अपना वड्डा भरा मन्निया, जे कोई गलती हुंदी आ ते पंजाब वाला वड्डा भरा करके माफ करे, जे हरियाणा कोई गलती करदा वा पंजाब वाला समझे कि मेरा छोटा भरा वा। असी गुस्सा नहीं करना, गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं याद करिए, वह भी इसे रस्ते ते लंघ के गए सी। असी उन्हां दे पूरनियां ते चलीए कि उन्होंने शांतमई रह के शहीदी पाई आ। सो असी शांतमई रह के ये जंग जितने आ, जंग तां ही जिते जाने आ, साडी एकता बरकरार रहेगी। ते मैं इस स्टेज तो हथ जोड़ के बेनती करदा वा, जिहड़ियां पिछलियां गल्लां होईयां ने उन्हां नूं ना वार वार दोहराइए, क्योंकि जदों तुसी सियाणे हो पिंड दे विच परे दे विच कोई फैसला हुंदा वा ते वह गल्लां जदों कोई मतलब परे दा बंदा विच हुंदा वा, उहदे परिवार दा कोई मसला हुंदा वा, भावें उहदी नहीं गलती हुंदी पर सारी परे उहनूं कहिंदी कि छड तूं वड्डा भरा वा, छड दे तूं वड्डा भरा वा, भावें तेरी नहीं गलती हैगी, साडी गलती हैगी जां नहीं हैगी, असी एक मुठ हो के चलीए। जिन्ना चिर तुसी एक मुठ नहीं हुंदे असी उन्ना चिर जंग नहीं जितनी। मैं जिहड़ी दिल्ली मीटिंग होई राष्ट्रीय किसान महासंघ दी, साडी यूनियन उहनां दी मैंबर भी आ, उस मीटिंग दे विच गल होई सी कि शायद आपां नूं उत्थे शंभू ते बहना पै जाए, तैयारियां भी शंभू बार्डर दीआं सी, पर जिन्ना योधिया करके जिन्ना युवा मुंडिया करके असी शंभू बार्डर के बैरीयर तोड़ते आए सी, जे किसी तो कोई गलतियां हो गई ने उन्हां दा सुधार परिवार विच बह के करिए, ना कि सरकारां नूं मौका देईए। जे मेरिया इन्हां गल्लां नाल सहमत हो कि किसानां नूं सरकार दे विच आउणा चाहीदा वा, सरकारां नूं जंग तां ही जितांगे जे किसान जिहड़े आ पावर दे विच आउणगे, ते जिहड़ियां साडे कोई गलतियां बच्चियां तों होईयां वा उन्हां नूं माफ करके असी उन्हां नूं कुंभे विच लै गए घर विच परिवार दे बह के गल करिए। जे इन्हां चीज़ां नाल सहमत हो मैं समाप्ति कर लगा वा, एक जकारा दे के इस जी सांझ पायो जे बोले सोनियार। दास तो विचार करदे आ, कोई भुल्लां हो गई होणगियां तां माफ करना जी। बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।